अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको पेटअप टॉपिक पर लेक्चर दूंगा। इसके मुताबिक सादा लफ्जों में आपको बताऊंगा कि पेटअप क्या है, किस मकसद के लिए ये बनाया गया है और पेटअप की रिकमेंडेशन पर ग्रे लिस्ट किसे कहते हैं और ब्लैक लिस्ट किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप समझ जाएं और आपसे कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। तो पेटअप का मकसद, परपज जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म, यानी इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, ताकि पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल ना हो जाए। दूसरा, एंटी टेररिज्म और किसी दूसरे मुल्क में या अपने मुल्क में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग या पैसे वगैरह न दे, न भिजवाए न किसी दूसरे मुल्क को और न अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पैसे मुहैया करे। तो इसका ये मेन मकसद है पेटअप का। अब आते हैं कि पेटअप ये चार लफ्जों का मजमुआ है, फॉर्म है, चार लफ्जों का मजमुआ है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या इन चार लफ्जों का मजमुआ है। अब आते हैं इसके फाउंडेशन की तरफ। ये पहले इस पेटअप में सात ममालिक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा हुआ, इसके मेंबर जो हैं अब 37 हो चुके हैं। इन 37 ममालिक में इंडिया भी है, सऊदी अरब भी है, चीन भी है। तो इन 37 ममालिक में ये है। अब पेटअप का हेडक्वार्टर किधर है, कहाँ पर है पेटअप का हेडक्वार्टर? तो ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका प्रेसिडेंट हर 2 साल बाद तब्दील होता है। अभी जो नया सदर बन गया है वो राजकुमार है। और इसका मकसद भी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म, यानी गैर कानूनी तौर पर पैसे मुंतकिल करना और गैर कानूनी तौर पर दहशतगर्दों को पैसे मुहैया करना। तो ये इनका मकसद है। अब आते हैं, जब पेटअप रिकमेंडेशन करे किसी मुल्क के खिलाफ, क्योंकि ये एक आलमी इदारा है तो इस पर एक्शन होता है, तो इसके रिकमेंडेशन पर किसी मुल्क को वार्निंग जारी किया जाता है और बाद में वो ग्रे लिस्ट में शामिल होता है। तो ग्रे लिस्ट में तकरीबन 8 से ज़्यादा ममालिक हैं। मुल्क कोई पेटअप की हिदायत पर अमल करता है तो ये ग्रे लिस्ट से निकलता है। तो ग्रे लिस्ट का क्या नुकसान है, इसके क्या नुकसान है? तो इसका नुकसान ये है कि आलमी इदारा उसको शक की निगाह से देखते हैं और जो ममालिक इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर वो इसके मुताबिक सोचते हैं और इससे सरमायाकारी जो है फिर उस मुल्क में नहीं करते हैं। अभी अगर कोई मुल्क ब्लैकलिस्ट हो जाए तो इसके क्या नुकसान हैं? तो इसके नुकसान ये हैं कि इस मुल्क के साथ कोई भी मुल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, यानी ख़रीद फरोख्त इस मुल्क में नहीं किया जा सकता और इसमें कोई कारोबार वगैरह या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता। अगर कोई मुल्क भी करता है तो वो इस मुल्क इस पेटअप की रिकमेंडेशन में फिर आ जाते हैं और फिर वो फिर ग्रे लिस्ट में, फिर ब्लैक लिस्ट में आते हैं। तो ये एक वो टॉपिक था जो मैंने मुनासिब समझा ताकि आप इस पर समझ जाए कि ये पेटअप है क्या चीज़ है। तो इसलिए मेरे सादा लफ्ज़ों में आपको
पेटअप के मुताबिक बताया कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका जो पहले 7 मुल्क में अब 37 है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस है फ्रांस में है, प्रेजेंट राजकुमार है। इसका मकसद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म। और उसका जो रिकमेंडेशन होते हैं पेटअप के, तो उसका जो रिकमेंडेशन है पहले वार्निंग जारी किया जाता है, फिर अगर उस पर कोई अमल नहीं करता तो फिर ग्रे लिस्ट में आ जाता है, फिर ग्रे लिस्ट पर अगर वो हिदायत जारी करते हैं उस पर अमल नहीं करते तो फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है। जब ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो इस पर अक़वामे मुत्तहिदा की पाबंदियाँ आयद होती है, कोई मुल्क इसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। तो नाज़रीन ये पेटअप, यकीनन आप इस वीडियो को देखकर बहुत सारे मालूमात आप जान चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।